इल्जाम लगते रहते हैं कि सियासत दे विच आके ये सियासतदान नहीं रह जाते बिजनेसमैन बन जाते हैं। 6-7 साल तो हानू भी मैंबर पार्लीमेंट के तौर के उत्ते हो गए ने, 30-35 करोड़ की ग्रांट भी आ चुकी होगी। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਕੋਈ ਬੱਸ ਬੁੱਸ ਪਾਈ, ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ, 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਈ ਕਪੜਾ ਕੱਢਿਆ ਹੋਵੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ, 1 ਰੁਪਿਆ ਖਾ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ 2 ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ MP ਰਹਿ ਲਿਆ, 2014 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਲੀ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕੁਛ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰੀਏ, ਤੇ 2017 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਲੀ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਲੱਗ ਜੇ। बड़े सवाल उठते ने। वैसे तो देखा जाए कि पिंड की मिनी बस के कोई शराबी 2 पैग ला के भी जाए ना तो कंडक्टर जिहड़ा है बांह फड़ के थले ला देंदा कि तू शराब पीती। तो हाडे बारे इन्नियां गल्लां चलदियां कि तुसीं किसी गुरुद्वारे च चल गए, किसी रैली च चल गए, हरिंदर सिंह खालसा ने तो इत्थों तक कहता कि तुसीं संसद दे विच वी दारू पी के चल गए, किसी ने बांह नहीं फड़ी भगवंत मान दी कि अज दारू पी के आया इत्थे की कर। आम आदमी पार्टी पंजाब नूं दुबारे पंजाब बनाउण दी लड़ाई लड़ रही है। असी कोई रेते दीआं खड्डां च हिस्सा पाउण जां कोई JCB-ਆਂ चलाउण जां कोई असी बसां दी ट्रांसपोर्ट च हिस्सा जां केबल माफी च हिस्सा पाउण नहीं आए। किते जिहा ते नहीं होवेगा कि 2014 दे विच जिहड़े ढींसिआं नूं भगवंत मान कहिंदे रहे कि मैं माजता, 2022 दीआं चोणां वेले उहनां ढींसिआं नाल हत्थ वी मिलाया जा सकदा। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ आम आदमी का आधार ही नहीं हैगा। झाड़ू सफाई करते दौरान कोई माड़े पीले जे निकल भी जाए ना, झाड़ू सफाई करता रहता, तकड़ी की करसी टुट जाओ तो उदन जोगी नहीं रही। कैप्टन अमरिंदर साहब 3 दिन के दौरे पर गए दिल्ली, पहले दिन ही पूछ लिया लोगों ने कहते बिजली की पा लें पंजाब। विरोधी धिर के नेता लैके हमेशा गल्लां होंदियां रहिंदियां ने कि जिन्ना असरदार आम आदमी पार्टी का विरोधी धिर का नेता होना चाहिए सी वह मिलिया नहीं पार्टी। सत श्री अकाल प्राइम एशिया TV दे नाल तुसी बने हुए हो, मैं हाँ सुख सोहल। पिछले एक दहाके की सियासत दे विच पंजाब दे विच बहुत सारे रंग देखने मिले ने। इस दहाके के दौरान एक पार्टी पंजाब दे विच दूजी बार लगातार सत्ता च आउण दा रिकॉर्ड बनाउंदी है, उत्थे ही इसे ही दहाके के दौरान पंजाब दे बोड़ां पिपलां वर्गे सियासतदानां नूं टक्करन दे लई आम आदमी पार्टी वर्गी नवीं पार्टी पुंगरना शुरू करदी है। पहली बार लोकसभा चोणां लड़के 4 सीटां जितदी है ते पहली बार विधानसभा चोणां लड़के विरोधी धिर दे विच बैठण च कामयाब हुंदी है। इसे ही पार्टी दे मौजूदा प्रधान भगवंत सिंह मान दी इस दहाके दे दौरान पंजाब दी सियासत दे चलदे पिंडां दीआं सत्थां तों लै के भारत दी संसद तक चर्चा हुंदी है। अज दे इस प्रोग्राम दे विच साडे नाल भगवंत सिंह मान मौजूद ने, उहनां दे नाल उहनां दे मौजूदा सियासी हालातों बारे ते पंजाब दी स्थिति बारे गलबात करदे चलांगे। मान साहब दा स्वागत करदे आं, सत श्री अकाल मान साहब। धन्यवाद जी, मेरे वल्लों वी प्राइम एशिया TV देख रहे सारे दर्शकों प्यार भरी सत श्री अकाल है जी, और मैं उम्मीद भी करदा और अरदास भी करदा कि तुसीं जिथे भी होवोंगे परिवार समेत तंदुरुस्त होवोंगे। मान साहब, एक दहाके के करीब समा हो चुका है तुहानूं पंजाब दी सियासत दे दौरान, इस बार 2 बार तुसीं मैंबर पार्लीमेंट बनदे हो, 2 बार MLA की चोण लड़दे हो, तो पंजाबी जिहड़े ने चाहुंदे ने कि भगवंत मान संसद दे विच बोलदा ही चंगा लगदा, किवें दा देखदे हो अपने इस सियासी सफर नूं हुण तक? देखो, जदों मनप्रीत सिंह बादल होरां ने अकाली दल चो अस्तीफा दिता खजाना मंत्रालय तों जी, तो उस तों बाद उन्होंने एक कॉल दिती सारे पंजाब नूं, सुनेहा दिता वी जिहड़े जिहड़े पंजाब दा भला चाहुण वाले, पंजाब की मिट्टी को प्यार करने वाले लोग ने, भावें जिहड़े मर्जी वर्ग के ने, भी वह मेरा साथ दिओ, तो नवे पंजाब की सिरजना लई मैं छड़ता सारा कुछ अपना अकाली दल चो जां व्हाटएवर। तां मेरे ख्याल च मैं कुछ घंटे भी नहीं मैं लाए होणगे फैसला लैण च कि मैं अपना करियर जिहड़ा कॉमेडी का एक बड़ा मतलब कामयाबी नाल चल रहा मेरा करियर, बिल्कुल कि मैं इहनूं जिहड़ा दाते ला सकदा पंजाब लई, क्योंकि वो करियर भी तो पंजाबियों ने बनाया सी, ठीक है, मेरी आवाज़ में जो मेरे चेहरे को मशहूर पंजाबियों ने किया, तो फिर जी मेरी आवाज़ या मेरा चेहरा पंजाबियों वास्ते काम आ जाए तो इस तो वधिया मैं नहीं लगता कोई मेरे लिए सुकून वाली गल होगी। तो मैं फैसला कर लिया कि मैं तुहाडे नाल चलूँगा, तो PPP का गठन किया 2011 मार्च के खटखड़ करा 26 मार्च में,
ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। 2012 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਲਹਿਰੇ ਕਰਕੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਘਰ ਭਰੇ ਨੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ MLA ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੋਕਾ ਦੇ ਜਾਓ, ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ, ਭਰ ਭਰ ਮਸ਼ਕਾਂ ਪਾਵੇ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੰਮ ਫਲ ਫੁੱਲ ਲਾਉਣਾ, ਲਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਸੋ ਮਾਲੀ ਬਣ ਕੇ ਹੋਕਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਗੀਚੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਫਲ ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੀ ਲਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਦੁੱਖ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਜੋ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਨ ਦਾ ਮੇਨ ਟਾਈਮ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਫਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ। ਉਸੇ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, 2,14,000 ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਿਟਿੰਗ MP ਸੀਗੇ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਣ ਦਾ ਝਾਕਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੋਮਵਰਕ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਟਾਇਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ, ਸੋਚਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿ ਹਾਂ ਰੱਬ ਜੋ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿਤੋਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ MLA ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਜਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਤੌਰ MP ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ। ਅੱਛਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 6-7 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 30-35 ਲੱਖ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ, 30-35 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਕੋਈ ਬੱਸ ਬੁੱਸ ਪਾਈ, ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੀ ਬਦਲਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਲੋਟ ਨੇ, ਕਾਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਈਵਨ ਸੋਫੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਪਲੋਟ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਲਾਕਾਰੀ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਮਾਇਆ ਸੀ, ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਹਿਰੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦੱਸਤਾ। 2 ਸਾਲ ਮੈਂ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। 2014 ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਤਾਂ 2012 ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ ਉਹ ਘੱਟ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਕਲਾਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। 2014 'ਚ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲੜਨਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼। ਜਦੋਂ 2017 'ਚ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 14 ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ MP ਲੜੇ ਤਾਂ 2017 ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈ, ਜਦਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਮੀਤਹਿਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜੇ ਸੀ MLA ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਤਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਚ 70-80% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ 19 ਵੇਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੀ
मेरी जित के भी प्रॉपर्टी घटी जाती है, इन्हों की हार के भी कि बधी जाती है। सो ये गल लोगों के मन च घर की हुई है, एक रुपये का भी मेरे से कोई एम पी लैड जब पंजाब के खजाने नुकसान पहुँचाने का जो इल्जाम लग जाए ना तो मैं दिन दहाड़ा। देखो आम तौर पर सुखी है ना, आम तौर पर लीडर गल कह नहीं होंगे, मैं इतों तक कह दिना कि जे एक रुपये का भी कोई घपड़ा कढ़िया हो भगवंत मान ने एक रुपया खा लिया लोगों के पैसे चो तो थोड़ियाँ जुत्तियाँ मेरा सिर, ठीक है ना। हालांकि मैं दो सरकार च एम पी रह लिया, 2014 तो 2017 तक अकाली की सरकार सी, वो भाली गए हैं कि कुछ तो लग जाए खिलाफ तो यू अंदर करिए, तो 2017 तो 2019 तक कैप्टन की सरकार सी, ठीक है, वह भी भाली गए हैं कि यदा कुछ लग जाए। सो इस करके जो तुम सच्चे हो तो मैं नहीं लगता कोई किसी किस्म का इस तरह डर होना चाहिए। एक नवी चीज़ उस वे पंजाब दे विच लोगों ने देखी सी 2014 च जो तुसी मैंबर पार्लीमेंट बनते हो, तुहाडे होर भी साथी पंजाब दे लोगों नूं उस वे पता लगा सी कि मैंबर पार्लीमेंट नूं साल दा 5 करोड़ रुपया मिलता, सरकार केंद्र सरकार दिंदी है लोगों के भले वास्ते खर्चों के लिए। उदों तों लैके तुसी हुण तक सारा हिसाब किताब जिहड़ा अपना रख्या होया, जिन्नी भी तुहानूं केंद्र सरकार वल्लों राशि जारी हुई है, की कुछ उपलब्धियां तुहाडियां रहियां, की कुछ अजिहा कीता कि बाकी मैंबर पार्लीमेंटा दे ध्यान च वी नहीं इह गल्लां आईयां? देखो सब तो पहले तो जो एम पी लैड का मैं लोगों को दस्या कि इन्ने पैसे मिलते हैं तो आ गाइडलाइनस ने आ कामों वास्ते पैसे दे सकते हैं, तो आप उही काम करिए जिदा सारे लोगों को फायदा हो। कोई निजी गली बनानी है ज निजी कोई पुड़ी बनानी है, ये ये तो उपर उठ के आप कोई पिंड दे विच कोई ऐसा काम करिए जिदा फायदा होंदा हो। जिवें सोलर लाइटा असीं बहुत लाइया, सा लगभग सारे पिंड सोलर लाइटा जिहड़ियां लाइया, फिर आर ओ फिल्टर वाटर पानी जिहड़ा अपना खराब होकर लोग बीमार हो रहे हैं, आर ओ दे बहुत बहुत ज़्यादा प्लान जिहड़े लाए ने। स्कूल दे विच लाइब्रेरियां, स्कूल दे विच बच्चों के बैठने लिए लेटैसट मॉडल का फर्नीचर स्कूलों के कमरे पा के दते हैं, ठीक है जी। तो फिर हैल्थ एंबूलेंस हस्पताल जिहड़ा इक्यूपमेंट मैडिकल इक्यूपमेंट जनरेटर, ठीक है जी, ते नाल बस अड्डे बहुत सोहने सोहने बनाए ने, ते बाकी पैसा जिहड़ा एक एक रुपये का साडा हिसाब है जी, एक एक रुपये का हिसाब भी रिपोर्ट कार्ड में दिता। पहला एम पी होगा इंडिया च जिन्हें 5 साल बाद 26 करोड़ 60 लाख रुपये का हिसाब दिता जी, ये आ लो जी हिसाब छाप के दिता है लोगों को, ब्रोशर बंदी लेके आ लो जी साहब, तो वो बकायदा दिता कि स्कूलों के किन्ना लगे, लाइब्रेरिया के किन्ना लगे, सिक्योरिटी के सीसीटीवी कैमरिया के किन्ने पैसे लगे ने, कि हल्के कितने कितने जो कैमरे लाए ने असी सीसीटीवी कैमरे लगे ने, धूरी भवानीगढ़ बरनाला है जी सुनाम खनौरी अभी सारा हल्का जोड़ा सीसीटीवी कैमरे ने लैस कर रखे। 26 करोड़ 60 लाख किमें हो गया जी, जबकि मिलता था 25 करोड़ 5 साल में, वो की है कि 61 लाख रुपया 60 लाख पुराने एम पी वाला पिया से जोड़ा कि नहीं वरत्या गया, एम पी का जोड़ा पैसा है वह वापस नहीं जाता, कई बार फॉर्म फलाते भगवंत मान के पैसे वापस चले गए, वापस एक रुपया नहीं जाता उत्थे पै रहा है, जो नवा रुपया होगा वो खाते चाहिए 60 लाख रुपया वो पिया से जी, 1 करोड़ 1 लाख रुपया ब्याज हो गया जी 5 साल का। जो कई बार सुख जी चोन जाबता लग जाता 2 महीने वास्ते कोई पंचायती चोणा ने जो कोई होर चोणा आ गई चोन जाबता लग गया तुम फंड नहीं दे सकते, पर पैसा तो पिया ना बैंक वह ब्याज होता है। मैं अपने ऑफिस के मुंडिया ने कहा कि जे 25 करोड़ रुपया लोगों का है तो फिर जोड़ा इतने ब्याज मिले इन लोगों, सो ब्याज भी असं लोगों को जोड़ा वो पारदर्श तरीके दिता है। शायद यही कारण है कि लोगों ने मेरे से दोबारा एडे वे धनाडा फिर दोबारा हरा के शायद ये इस करके मेरे से यकीन किया, और मैं वो यकीन तोड़ता नहीं। पासपोर्ट दफ्तर असं जो लैके आए मलेरकोटले, हजार की गिनती च बहरले मुल्क फसे हुए मुंडे कुड़ियां भावें वो कि मर्जी इलाके के होने पंजाब के। अच्छा एक सवाल मैं जरूर करना सी कि जदों भी कोई ऐसी वीडियो देखते हैं चाहे वह अरब की हो चाहे यूरोप की हो चाहे किसी होर मुल्क की कोई मुसीबत च हो पंजाब च किसी भी इलाके के नाल संबंध रखता आवाज़ एको ही होंगी है कि असी भगवंत मान साहब नूं अपील करते हैं कि सानूं घर तक पहुँचाया जाए, या फिर कोई मापे अपील करते हैं भगवंत मान नूं कि साढ़े बच्चे की डैथ हो गई है तो वो डैड बॉडी साढ़े तक पहुँचाई जाए, किन्ने क नौजवान जिहड़े ने अजिहे तुसीं वापस पंजाब लैके आओ या फिर डैड बॉडीज जिहड़ियां ने तुसीं पंजाब लैके आओ?
हजार की गिनती चाहिए। मैं कोई उन्हों का मेरे को हालांकि पिया है मेरे को, पर मैं उन्होंने कोई राजनीतिक लाहा लैन की कभी कोशिश नहीं करता कि मैं उन्होंने इतने बुला लिया देख लो। कभी कभी आख्या हो जाके कि मैं तेन बहरों लैके आया सी ते हुण साडे हुण इस पिंड दे विच मेरी पार्टी का बूथ इंचार्ज लग जाए, ना ही तो मेरी फितरत है तो ना ही मैं इस तरह की कोई जी होशी राजनीति कह लिए ना करता। बल्कि मैं कई बार पिंड जाना कि रैली च जी ठीक है उत्थे मैनू मिलन आ जाते हैं कि मैं फलाने मुल्क च फसया सी तुसीं मैनू कढ़ाया सी, मैं कहिंदा तुहानूं पता आ गया तू इत्थे काम कर कर लो। पहली गल तां इहदी जड़ बेरोजगारी है, जे इत्थे काम कर मिल जाए क्यों साडे धीआं पुत जिहड़े ने साढ़े छे छे फुट दे साडे पंजाबी गभरू सऊदी अरब दे टिब्बिआं च उठ चढ़दे फिरदे ने, शेखां दे गुलाम बणे फिरदे ने, छांटे मार मार के ओह काम कराउंदे ने, पासपोर्ट खोल लेंदे ने ठीक है जी, रहन नूं उहनां नूं मतलब जिवें आपां मुर्गे ताड़दे हां मुर्गी मुर्गियां नूं ताड़े जांदे खुड्डिआं च इदां ओह छोटे छोटे कमरे च पच्ची पच्ची रहिंदे ने, बड़ी मतलब गैर मानवती है उन्हां दा वतीरा हुंदा। ते जे इत्थे काम मिल जाए तो असां क्यों धक्के खाई उत्थे जाके, घर घर नौकरियां का वादा करके सरकारां बणाउंदे ने ते फिर साढ़े साढ़े धीआं पुत बाहरले मुल्कां नूं क्यों भजदे ने, एजेंटां दे झूठे ला रहे चाहुंदे ने, आईलैट्स करके असीं बाहर भजी जांदे ने, जहाजा जहाज भजी जाते हैं हूँ उधर वापस भेजी जाते हैं ठीक है जी, डेड बॉडी साढ़िया उड़ी जाए उत्थे हजे तक मेरे को इस वक्त जिस वे इंटरव्यू कर रहे हो ना 15 to 20 डेड बॉडीज के केस पे ने, कोई सऊदी अरब च पे ने, कोई कतर च पे है, कोई पुर्तगाल च पे है डेड बॉडी, कोई ग्रीस च पे है, मंगाना मैं हूँ करोना करके थोड़े जो फ्लाइटा इंटरनेशनल घट ने फिर भी स्पैशल केसिस पा के डेड बॉडीज मंगाना, होर तो देखो कुछ नहीं बस मापियां नूं भी चलो आखिरी बारी मिट्टी देख ली हत्थी संस्कार कर लिया थोड़ा सबर संतोख हो जाता और दुख तो सारी उम्र रहना ही रहना। सो कई बार एयरपोर्ट पर भी जाना अद्धी अद्धी रात में, पर मैं कदे भी इहदा सियासी लाहा लैण दी कोशिश नहीं की थी कि मैं थोनू बुलाया जी जां मैं थोड़ा मतलब मैं तो सगों इस गल ते अपने आप नूं मैं मतलब दुख हुंदा है जदों मैनूं इह कहिंदे ने मापे कि बहुत बहुत धन्नवाद जी ਤੁਸੀਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਬਣਾ ਤਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਮੰਗਾਤੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਨ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਸਾਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਿਆ, ਰੁੜਨਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ, बड़े सवाल उठते जी। वैसे तो देखा जाए कि पिंड की मिनी बस के कोई शराबी दो पैग ला के भी जाए ना तो कंडक्टर जोड़ा है बांह फड़ के थले ला देंदा कि तू शराब पीती, तो हाडे बारे इन गल् चल दियाँ कि तुम किसी गुरुद्वारे चल गए किसी रैली चल गए, हरिंदर सिंह खालसा ने तो इतों तक कहता कि तुम संसद के भी दारू पी के चल गए, किसी ने बांह नहीं फड़ी भगवंत मान की कि अच्छ दारू पी के आया इतने की करता झूठे जाने उन्होंने होर कुछ है ही नहीं विरुद्ध जवाब देता ना, लोग जवाब देने सारा कुछ सैकंड टाइम जिता के लख तो 1,11,111 और 500 crore, 800 crore का डिकलेयर करने वाले जिहड़े तनाडा नूं हरा के मेरे तो यकीन किया, तो फिर लोगों का तो फतवा तो मानना पूगा ना। तो नाल एक गल दसो पिछले 6-7 साल तो कही जाते हैं सुमीर वाल होनी वह तो जी दिन रात शराब पीते, तुम किसी अपने पिंड या दोस्त सर्कल च फ्रेंड सर्कल किसी यह बंद जानने जी जो दिन का शराब पीता हो जिंदा हो 6 साल हो गए उन्होंने है नहीं ना, फिर कही जानते उन्होंने इन्हें कोई यही नहीं मिलता। हरिंदर खालसा ने कहा कि इदा करके स्पीकर ने कहा तो क्योंकि हरिंदर खालसा की गल हो गई थी उदो अकाली दल नाल कौन गया चंदू माजरा, वो पहला भी 3 साल मेरे नाल बहिंदा रहा बाद बहिंदा रहे बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आई हूँ भी मेरे नाल बहिंदे ने। पंजाब के सब तो वध मसले पार्लीमेंट च लड़के लाव टाइम जो मर्जी मैं चकदा जी, इतों तक कि मतलब परमात्मा किसी बंद तो कोई अजा काम करा लेंदा कि उन्होंने जिंदगी शिकवी मिल जाते प्रधानगियां पैसा सब थले रह जाते। मेरे हिस्से एक अजा काम परमात्मा ने मेरे तो करा लिया कि मैं तो इन्ना सुकून है कि कल चकदा रब अच चक ले पर मैं सुकून है कि मैं इतों मेरे किसम परमात्मा ने मैं ये काम कराने का मौका छोटे साहबजादू संसद के ऑफिशियल
श्रद्धांजलि ऑन रिकॉर्ड 27 दिसंबर 2018 ऑन रिकॉर्ड मीनस रही दुनिया तक जो तक संसद चलूगी 27 दिसंबर श्रद्धांजलि देनी पै करूगी। पहला कदे इन्होंने आज जो कौम ने अपने आप पंथ के रखवाले कदम अर्जी नहीं दी कि छोटे साहबजाद श्रद्धांजलि दे दो, ठीक है ना। सो मतलब तुसी है जे तां वो काम जिहड़े कदे इन्होंने सोचे भी नहीं सो करी जांदे आ। इन्हां कोले इह इल्जाम लाए जां जो मर्जी कही जां, जिन्ना चिर मेरे नाल लोक ने जिन्ना चिर लोक मेरे नाल ने मैनूं इन्हां दे इल्जामां जुमां दी कोई परवाह नहीं। और सुखबीर बादल पता नहीं की करदा है, सारी जवानी पंजाब दी उन्होंने तबाह करके रखती, ठीक है ना। ते कैप्टन अमरिंदर सिंह जो मर्जी कर सकदा है उन्हूं नहीं करदे कुछ कहिंदे, ठीक है ना। ओ घरों बाहर निकले ना निकले, ओ 3.5 साल हो गए फार्म हाउस से बैठा है कदे आया नहीं, ठीक है जी। कहते ना जी तो राजे ने शौक नहीं। सो आई डोंट केयर, मैं ये सवाल ना मेरे ख्याल चो मुद्दा नहीं है। सो इन्हों कही जान दो जो मर्जी, इन्हों ध्यान इन्होंने को होर कुछ है नहीं, तो मेरे को बहुत कुछ है काम करने, हजे बहुत मुद्दे पंजाब के पे ने। पंजाब के मुद्दे जो तुम रखा हो संसद के बहुत सारिया वीडियोज वायरल होंगे। एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी कि तुसी पंजाब दी बारे कोई गल कर रहे थे, तो अगों हरसिमरत बादल होनी उस वेले लंघ रहे थे, तो भगवंत मान उन्होंने ने चटकारा लैके आख्या कि यही लोग ने जिहड़े पंजाब नूं इस हद तक लैके आए ने। पूरा किस्सा की सी जलियांवाले बाग दी जिहड़ी प्रबंधकी कमेटी जी उहनूं बदलन का एक बिल आया सी, तो मैं बोल रहा सी जलियांवाले बाग कि 100 साल हो गया उदों 19 दी गल बोल रहा सी मैं, तो कि उत्थे जिहड़ा जलियांवाला बाग है यदा प्रबंध किसी अकाली या कांग्रसी ना हो, जलियांवाला बाग तो लोगों के खून ना सिंजिया हो, ठीक है जी। तो जनरल डायर ने जो ऑर्डर दिता तो उस तो बाद शाम डिनर कितने किया, हजे मैं कह रहा सामने हरसिमरत कौर जी आ गए, मैं कह जी इन पूछ लो इन्हों के घर किया सर सुंदर सिंह मजीठिया 13 अप्रैल 1919 जनरल डायर ने डिनर कितने किया हरसिमरत कौर के घर जद्दी पिंड मजीठे, ठीक है जी। डिनर किया फिर जी जाम चले एक पासे 3000 बंदे का खून सरदी उपाधि अंग्रेज सिर्फ अपने पिट्ठू देते उतु जमीन जायदादा मिली हुई हैं। कला डिनर नहीं बाद दे विच दरबार साहब के जनरल डायर ने सरोपा भी दवाता सी कि कोई ये गलती नहीं है, ड्यूटी से माफ करता जरा बारे का जो दोषी से। तो शहीद ऊधम सिंह की हम बरसी तो कि मूँह जाते हैं, फिर उन्हें जाके 22 साल उत्थे जाके तपस्या वागू रहे तो उन्हें बदला लिया उतो कै जरा कैंसन हाल के, ठीक है ना। सो जे पहला भी अंग्रेजा के नाल रहे, पहला भी पंजाब के लोगों के खून दिया होलियां खेडना के नाल रहे, अज भी ज पहला भी गोलियां चला अज गोलियां खवाने फिर इन्हें तुम की उम्मीद कर सकते हैं कि पंजाब के वफादार हो जाएंगे। सो मैं तो बोलता ऑन रिकॉर्ड बोलिया मैं, और बहुत सारे लोगों के मैंने उदों फोन आए कि सानू अज पता लग गया, क्योंकि क्योंकि एक दूजे के विरुद्ध है बोलते ही नहीं, वो तो सिर्फ लोगों को दिखाने वास्ते छोटा छोटा विरोध करते होंगे, अंदरों तक इकट्ठी नहीं ना। तुम मैं ये दसो लंबी तो लड़न की लड़ सी कैप्टन साहब, क्योंकि बादल जिता रवनीत बिट्टू ज्यादा वक्त भेजने की लड़ सी क्योंकि सुखबीर बादल जिता तो कन्फर्म है, ये तो बच्चे बच्चे पता कि रले हुए हैं कि ये ना हार जाने। तो फिर सौं खा के गुटका साहब दिया तो कि नशेरा लक तोड़ता कि वीडी मच्छी फड़ ली जी, आपस रले हुए हैं। बरगाड़ी की बेअद भी कल साढ़े मतलब 15 चली सी 5 साल हो गए, कोई बंदा फड़िया कोई चलान पेश किया एक एक सिट वो बराबर दूजी सिट है, बस यही है कि बकीर एक बार 22 तक लै जाओ बादलों को बरी करना है, पर कर देंगे कैप्टन बादलों को बरी कर दूंगा क्योंकि आप इस तरह रले हुए हैं। वह भी तो जाता जाता प्रकाश सिंह बादल भी तो जाता जाता केस सारे वापस लेके गया से ना कैप्टन अमरिंदर तो वह देना है ना वो इनाम, ठीक है। वो संत मुड़ने हैं पर इतों के कचहरी बरी हो जाएंगे, लोगों की कचहरी के परमात्मा की कचहरी
ਇਹਨੂੰ ਵਕੀਲ ਮਿਲਦਾ ਬਣਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ 2017 ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤੀਜਾ ਰਾਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਰਾਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਵਰਕਰ ਹੋਣ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਤਲ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ DGP ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ CCTV ਕੈਮਰੇ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਸਤੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ 20,000 ਲੀਟਰ ਫ੍ਰੀ ਪਾਣੀ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ BJP ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਨਾਰੀਓ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ। ਇਹੀ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪ ਲਿਖਣਗੇ 2022 'ਚ। ਪਰ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਸਾਡੇ 5 MLA ਸੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ PVP ਵਾਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੀ ਜਾ ਕੇ ਹੈਲਪ ਕਰਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਦਿੱਲੀ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੀ ਭਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 9 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 1 ਰੁਪਿਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਆਏ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 2 ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਪਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਆਧਾਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੜੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 3 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1920 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ, 2019 'ਚ ਖਤਮ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੇ ਵਾਲਾ ਧੜਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਗਸੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਪਾਰਟੀ। ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਲੋ ਝਾੜੂ ਤੀਲਾ ਤੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੀਲਾ ਤੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਤੱਕੜੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈ, ਸਾਡਾ ਝਾੜੂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਝਾੜੂ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਤੀਲੇ ਜੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਜਾਣ ਨਾ, ਝਾੜੂ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੱਕੜੀ ਦੀ ਘਰਸੀ ਟੁੱਟ ਜਾਓ ਤੋਲਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸਰਦਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ। ਹੈਗਾ ਜੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਹਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLA ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਧੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਧਰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਿਜਲੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਿਛਾੜਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ 2 ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖ ਬਹੁਤ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਰਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਖੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, MSP ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾ ਕੇ ਲਾ ਰੱਖੇ ਉਹਨੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਸਾਡੀ ਹਰ ਸਿਮਰਤੀ ਬਚਾ ਦਿਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਿਖਾਉਣਾ ਲਿਖਾ ਲਓ। ਅਤੇ ਇਹ
हुण नहीं चलना कि दिल्ली कुछ होर बोल देंगे ने पार्लीमेंट च वोटिंग जी है वह एन आर सी के हक च इतने आ विरोध जमीन को अक्वायर करने का बिल जिहड़ा सी उच सारी विरोधी पार्टी ने सारिया पार्टियां ने शिवसेना ने भी वह विरोध किया कला अकाली दल से किसानों की पार्टी का होंगे जिन्हें हक च वोटा पाइया तो इतने आ विरोध हूँ नहीं चलना हूँ लोग सारे सियाने आखिरी दो क सवाल ने 2017 के जो विधानसभा चोणा तो पार्टी ने लड़िया जिहड़े मुद्दे उस वेले सी जिन्हां मुद्दियां दे उत्ते उह चोणां लड़ियां गईआं तुहानूं लगदा है कि मुद्दियां दे विच कुछ तब्दीली होई है कि स्थिति ज्यों दी त्यों ही कि होर खराब होगी देखो मुद्दे तां तां बदली ना जे कोई हल होया होवे बेरोजगारी होवे जिवें है ठीक है जी बिल्कुल किसानी की हालत होवे जिवें खुदकुशियां चल रहीआं ने बल्कि किसानी तां साडे तों खोण लगे ने सेंटर जिहड़ा है ऑर्डिनेंस लिया के ठीक है जी ते बिजली दा कोरोना होया हर बंद चीज़ का बिल आया जी दुकाना बंद सी पर बिल आ गए बिजली दे ठीक है जी स्कूल बंद सी पर कहते फीसा देने का हुक्म आ गया ठीक है जी तो फैक्ट्रिया बंद सी उन्होंने फिक्स चार्ज आ गए ठीक है जी गड्डियां खड़ियां सी सरकार नूं कोई घाटा नहीं पिया पर कैप्टन अमरिंदर सिंह हुणां दी स्टेटमेंट दे के 50,000 करोड़ रुपए का घाटा पिया पंजाब कित्थों किहड़े कित्थे छड्डिया पैसा कोई ईवन जिहड़ियां खड़ियां टैक्सियां सी उन्हां दा रोड टैक्स भी ले लिया आप ही खड़े ऑर्डर दिते कित्थे लगे कित्थे ने पैसे हिसाब तां दिओ नहीं तां कोई गल नहीं 2022 च असीं हिसाब दे लवांगे ठीक है ना सो असी कल्ले कल्ले मुद्दे ते रोड मैप बनावांगे मेरे नौहां दे विच पंजाब दीआं समस्यावां नौहां ते गिणियां पईआं ने उहनां दे हल भी गिणे पए ने और इहदे वास्ते इच्छा शक्ति चाहीदी है और आम आदमी पार्टी पंजाब नूं दुबारे पंजाब बनाउण दी लड़ाई लड़ रही है असी कोई रेते दीआं खड्डां च हिस्सा पाउण जां कोई जेसीबीआं चलाउण जां कोई असी बसां दी ट्रांसपोर्ट च हिस्सा जां केबल माफी च हिस्सा पाउण नहीं आए असी हिस्सा जरूर पा रहे हां हिस्सा पाउंदे रहांगे लोकां दे दुखां च हिस्सा पावांगे होर कितें हिस्सा नहीं पैणा 2022 दे विच लोक आपदी किस्मत आप लिखणगे झाड़ू वाला बटन दब के लोकां दी सरकार आऊगी किसी कैप्टन की या किसी बादल की बंदे की सरकार नहीं चाहिए कानून की सरकार चाहिए कानून दा राज जिहड़ियां गलतियां 17 च हुईआं उह दोबारा रिपीट करन की कोशिश करोगे कि उन्हां नूं रोकण दा नहीं देखो कोशिश करो गलती हो जाती है हर एक इंसान गलती का पुतला है जिन्हें कोई गलती नहीं की मतलब फिर उन्हें कोई काम भी नहीं किया घर बैठे तो कोई गलती नहीं होती गलतियां तो सबक लिया जाए अगे तो ना की जाए साड़िया मीटिंगा इंटरनल भी जारी ने और जरनैल सिंह जी आए थे पिछले दिन दिल्ली तो असी मैं जरनैल सिंह जी एल ओ पी साहब जी तिना ने बैठ के कल्ला कल्ला पिंड का कल्ले कल्ले हल्के का सारा रोड मैप तैयार किया कि समस्यावान ने क्योंकि देखो जो हमने तो असी तैयारी कर लगेंगे ना तो असी 2022 के आने साल लोगों के हक के फैसले जब के खजाने किमें भरना है कुदरती स्रोत जो लुटे जा रहे हैं उन्होंने किमें कंट्रोल करना है करोना सारा कुछ बंद सी पर रेत माफिया के टेपर तो रेत माफिया की जेसीबियां चल रही सी ठीक है ना सो माफिया राज तो किमें पंजाब को जोड़ा निजात दवा के दोबारा पंजाब का खजाना भरना है तो पंजाब तो जोड़े लोग भज रहे हैं चाहे उस काम कर चाहे आईलैट्स वाले उन्होंने नौजवानों ने इतने रोक के आपदा ही घर ठीक करिए असी बगाने दलों तो कोई उम्मीद ना करिए आपका घर जोड़ा साफ कर लिए सो झाड़ू का काम भी सफाई करना है तो असी राजनीतिक गंदगी जी पंजाब च पई है पिछले 20-25 साल तो जो 5-5 साल दारियां बन के लुटिया जा रहा है उन्होंने रोकेंगे तो पंजाब के हक के खड़े हाँ तो खड़े रहेंगे वो बदले सानू जिन्ने मर्जी परसनल नुकसान झलने पैन वो कुछ भी नहीं है परसनल साढ़े हित साढ़े स्वार्थ बहुत छोटे ने पंजाब के हित जोड़े ने वह बहुत बड़े ने सो पंजाब के हक असं जिंदाबाद करें आखिरी सवाल गठजोड़ की राजनीति दे कितना क यकीन रखते हो पंजाब की सियासत दे खास करके अच्छे सुखदेव सिंह ढींसा ने भी पार्टी बना ली कि अजिहा तो नहीं होगा कि 2014 जिहड़े ढींसियां भगवंत मान कहिंदे रहे कि मैं मानता 2022 दीआं चोणां वेले उन्हां ढींसियां नाल हाथ भी मिलाया जा सकता नहीं इस तरह का अजे कोई इदा दा इरादा नहीं आम आदमी पार्टी अपने दम ते इलैक्शन लड़दी है लड़ के जीतती भी है तुसीं देखो तीजी बार दिल्ली च सरकार बनी है और पहली बार होया है भारत के इतिहास कि कोई पार्टी दूजी बार जीती है 90% तो ज़्यादा सीटा लेके और कांग्रेस की हालत देख लो जिहड़े हुण कहिंदे ने कैप्टन साहब कि असीं 22 च रिपीट करांगे देश की राजधानी च लगातार दूजी बार 0 10 साल एक MLA पैदा नहीं कर सके
दिल्ली के पढ़े लिखे लोग ने थोड़ा छेती समझ जाते हैं। मैं कहना हाँ कि मच्छी पत्थर चट के मुड़ती है, पंजाब वाली मच्छी थोड़ी जी जिद्दण है, ये मत पत्थर चटन के नाल चार टका मार के मुड़ेगी, मुड़ना तो मच्छी ने पऊगा। लोगों को समझ आ गई कि साढ़े लटेरे जोड़े ने वह कौन ने, लोगों के चुल्हे की अग की फिक्र कौन करता है। सो जे सूबे जी कौम सेव्या की अग जी है वह लाटा उच्चिया होंगे हो, चुल्हे की अग जी है वह बुझदी हो गई, ये माड़े तो निकम्मे सियासतदानों की हुक्मराना की निशानी होंगी है। सो पंजाब के सिव्या दगों को असं बुझावे, पंजाब के चुल्हे की अगों ज जोड़ा है वह दोबारा जीवित करके पंजाब को दोबारे फिर रंगला पंजाब बनावे। इस पंजाब ही गिद्धे भंगड़े पहन, यही पंजाब जोड़ा वो दमामे मारे किसान दमामे मार दा मेले जाए, इस पंजाब से जोड़े नौजवान ने वह फौज भर्ती होन, पहलवानियां जान छिंजा लगन कबड्डियां होन, आही दुआया दिल रात यही दुआ करते हैं। परमात्मा सच्चे दिलों लगे हुए सानू बाल बख्शी, समर्थ बख्शी, कोई सतो गलती ना कराए, सच्चे दिलों जो सच्ची नीत ना कोई बंदा लग्या हो परमात्मा भी उसका साथ देंगे। सो बिल्कुल भगवंत सिंह मान होना दिया गल्लां बातां उम्मीद करते हैं कि तुहानूं पसंद आईयां होणगीआं। 2022 दे विच बहुता समां नहीं है ते इस वेले मुकाबला करड़ा होण दी उम्मीद होर मन्नी जा रही है, क्योंकि कुछ होर भी सियासी धिरां जिहड़ियां ने इस वार 2022 दीआं चोणां दे विच मैदान दे विच होणगीआं। मान साहब तुसीं अपना समां दित्ता, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मेहरबान मेरे वल्लों जी, सारयां नूं प्यार भरी सति श्री अकाल। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अज की इस गलबात पसंद करते चलोगे। 2022 के दौरान की पंजाब के सियासी समीकरण रहेंगे, प्राइम एशिया टीवी के उत्ते भी पल पल की अपडेट्स असं लगातार तो साझी करते रहेंगे। इदा ही बने रहो प्राइम एशिया टीवी के।